लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज मुल्क बड़े खराब दौर से गुजरने का काम कर रहा है। एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री बन गया है, उसको ड्रामेबाजी से फुर्सत नहीं है बेचारे को। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि बात हम करेंगे किसान की, बात करेंगे हम नौजवान की, बात करेंगे रोजगार की, वो बात करेंगे मुसलमान की, बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है, पाकिस्तान के बारे में जिक्र और फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, वो तो अपने आप को अपने आप मार रहा है, इसलिए हमें उसकी जरूरत कहाँ है कि हम उसके ऊपर अपना ध्यान लगाने का काम करें। लेकिन ये लोग बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं। मैंने राणा जी लारे लगा रहे थे भारत माता की जय, तो ये बात सही है कि ये भारत माता के ऊपर इन्होंने पेटेंट करा लिया है। जैसे भारत माता इनके बाप की दिया, हमारी भी इतनी भारत माता जितनी तुम्हारी भारत माता है, और तुमसे ज्यादा भारत माता हमारी है। हमारे बाबा अजदाद ने खून दिया, हमारे बाबा अजदाद ने कुर्बानियां दी, तुम्हारे बाबा अजदाद के माफीनामे इतिहास के अंदर दर्ज हैं। एक नाम इनको नहीं मिलने का जिसने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हिस्सा लिया हो। इसीलिए कभी सरदार पटेल जी की, कभी महात्मा गांधी जी की बातें शुरू करना शुरू कर देंगे। महात्मा गांधी की विरासत कांग्रेस के पास, सरदार पटेल की विरासत कांग्रेस के पास, इनके पास विरासत है गोलवालकर की, सावरकर की, जिनकी चिट्ठियां इतिहास में दर्ज हैं कि ये अंग्रेजों के पैरों में पड़ करके गिड़गिड़ाने का काम कर रहे थे। साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जब ये भारत माता की जय की बात करें, जब ये भारत माता की जय की बात करें, तीन गुना स्पीड से नारा लगाना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जोर से नारा लगाइए भारत माता की जय का, तब इनको समझ में आएगा। हम आपसे कहना चाहते हैं, आज बहुत बुरे हालात है, आज देश के अंदर लड़ाई बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो एक विचारधारा जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो विचारधारा जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक तरफ मोहब्बत की बात करने वाले हैं, एक तरफ नफरत की बात करने वाले। दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, बीच का कोई आदमी नहीं है। ये जो बीच की बात करने वाले लोग हैं, ये जो बीच की बार रास्ता निकालने वाले लोग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे तौर पर आपसे आपका वोट भाजपा में ले जाने की बात नहीं कर सकते, लेकिन इनके नेताओं ने खुल खुल करके बयान देने का काम कर दिया। क्या बोल रही थी मायावती जी, मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी, मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी। तीन बार बयान दिया, मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी। तो क्या बहन जी भाजपा से बात कर आई हो?